उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग के 284 पदों और कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 548 पदों पर भर्ती परीक्षा 30 मई को प्रदेश के 15 जिलों में आयोजित हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के 284 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2018 में आवेदन मांगा था। इन पदों पर भर्ती के लिए आए हुए आवेदनों में 625,547 पात्र पाए गए हैं। इनकी लिखित परीक्षा प्रदेश के 15 जिलों आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी में 30 मई को दो पालियों में हुई। पहली पाली की परीक्षा 10 से 12 और दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे तक हुई। गोरखपुर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा का लेवल मॉडरेट था और साथ ही रीजनिंग थोड़ा टफ आया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थियों और परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव ने बताया। अंकित, पेपर हार्ड था। पेपर मतलब मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। मीनू, पेपर कैसा हुआ, किस तरह का? पेपर काफ़ी अच्छा था। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग या मैथ्स के, वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग थे, बट थोड़े से टफ लेवल के थे। और बाकी जो इंग्लिश पोर्शन और कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो वो बहुत बेटर था। हिंदी के भी क्वेश्चन अच्छे थे। अभिनव आजमगढ़ से हैं। मंडी परिषद का पेपर आया था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अच्छा पेपर हुआ है। पूजा राय, पेपर लेंदी था, टाइम कम था, मिलावट से देने आए हैं पेपर। जी, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। पेपर संतुलित था और रीजनिंग के प्रश्न थोड़े से कठिन थे। एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादा पूछा गया था, सामान्य ज्ञान ठीक ही था और करेंट अफेयर्स भी पूछा गया था, बाकी मैथ्स थोड़ा कठिन आया था। शरद पांडे जी, पेपर तो मॉडरेट था एकदम, रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी, बाकी पेपर सब कुछ अच्छा गया। प्रियंका यादव, पेपर का लेवल टफ था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन रीजनिंग ज़्यादा हार्ड आई थी। मेरा नाम अभिनय निषाद है। पेपर तो बहुत ही अच्छा था, जिसमें मुझे मैथ का तो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन बाकी रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छा था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा मंडी परिषद के इंस्पेक्टर्स की परीक्षा के लिए दो पारियों में एग्जाम हुआ है, सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली में 3 बजे से 5 बजे तक। अब वो उस इम्तहान होने के बाद जो ओएमआर सीट है वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में कोषागार के पास जमा की जा रही है और इसे सुरक्षित टीसीएस अपना वापस ले जाएगा। ये 32 केंद्रों पे परीक्षा आज हुई है और कल भी परीक्षा है मंडी लिपिक के संबंध में, वो 14 सेंटरों पर परीक्षा होगी। उसका पेपर कल सुबह 6 बजे ऑफिसर्स को दिया जाएगा सेंटर पे पहुंचाने के लिए और उसके 12 बजे के बाद वो अपना जो भी ओएमआर सीट वगैरह है वो आके कलेक्ट्रेट में जमा करेंगे। नहीं, कोई शिकायत नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है परीक्षा।